और ये है एक बहुत बड़ा हाथी जो कि मेरी साइज से 2 से 3 गुना बड़ा है। एक गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एके। तो गाइस आज हम आ चुके हैं आमेर, और आमेर के अंदर है 500 साल पुराना मंदिर श्री जगत शिरोमणि जी। तो गाइस बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, बहुत प्यारा मंदिर है, आप पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलते हैं। लगभग 25 से 30 फीट है, और ये पूरी एक मार्बल पे बनाई हुई है, पूरी एक मार्बल में बनाई हुई है। कोई ऐसा नहीं कि एक पिलर पहले रख दिया, एक पिलर बाद में रख दिया, पूरा एक मार्बल पे कटिंग करके बनाई हुई है इस शेप। तो गाइस आप देख सकते हो पूरे मार्बल में छोटी 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 भगवान की फोटोज है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। पूरे मार्बल में ही है, ऐसा नहीं कहीं है कहीं नहीं है, पूरे मार्बल में। ये है एक बहुत बड़ा हाथी जो कि मेरी साइज से 2 से 3 गुना बड़ा है, और ये चलता भी नहीं है, अब ये बंद हो चुका है क्योंकि इसको खाने को नहीं मिलता कुछ भी। तो गाइस ये है वो मंदिर जो कि लगभग 2 मंजिला है। आज के टाइम पे इसको कम से कम 3 से 4 मंजिला माना जाता है, पर उस टाइम पे जो कि लोग बहुत ज्यादा बड़े होते थे, उनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। चलते हैं इस मंदिर में, दर्शन करते हैं भगवान के, बहुत ज्यादा प्यारा है, अंदर से भी बहुत ज्यादा प्यारा मंदिर है। चलते हैं, लेट्स गो। और मीराबाई का, अभी लॉर्ड कृष्ण और मीराबाई का कैसे बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया, इसकी मैं पूरी कहानी आपको अंदर बताऊंगा। पहले दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको पूरी इसकी डिटेल में स्टोरी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, एंड तक जरूर देखना, मेरे को बहुत मजा आने वाला है, अभी बहुत सारे शॉर्ट्स आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। चलते हैं। देख सकते हो पूरा एक मार्बल पे बनाया गया, और हर मार्बल पे एक एक छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है भगवान की, एक भी मार्बल खाली नहीं है, हर मार्बल पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। मतलब तो पुराने लोग कैसे बनाते हैं कोई आइडिया नहीं है। आपको बताने वाला था ये मंदिर किसने बनवाया, क्यों बनवाया और कब बनवाया था। तो गाइस ये मंदिर 500 साल पुराना है, और इसको बनवाया था क्वीन कनकवती ने, जो कि राजा मानसिंह की पत्नी थी। और उन्होंने क्यों बनवाया था, उन्होंने बनवाया था अपने बेटे जगत सिंह की मेमोरी में। तो गाइस माना जाता है इस मंदिर में जो स्टैचू है वो मेवाड़ से 500 साल पहले लाया गया था, जब वहाँ पे मुगलों का वॉर हो गया था, तो मीराबाई ने 500 साल पुराना स्टैचू यहाँ पे लाके स्थित कर दिया था। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो श्री कृष्ण जी के साथ स्टैचू जो है वो है मीराबाई का, जो कि मेवाड़ की क्वीन थी और श्री कृष्ण जी को अपना हस्बैंड मानती थी। गाइस लेटर जब श्री कृष्ण जी का यहाँ पे स्टैचू लग चुका था, उसके बाद यहाँ के लोगों ने मीराबाई का भी स्टैचू लगवा दिया। गाइस अभी हम जाने वाले हैं मंदिर के बैक साइड में, देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है, चलते हैं। भी आप देख सकते हो हर मार्बल में वही भगवान की छोटी 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 मूर्तियां बनी हुई है, देखो छोटे छोटे हाथी है, मूर्तियां है, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो गाइस बैक साइड में तो ऐसा कुछ है नहीं, पर ये शायद इसको शायद चबूतरा बोलते हैं, जिसपे आप दाने जो चिड़िया वगैरह के लिए दाने वगैरह रख सकते हैं। एक ये है रूम जो कि लॉक है। ऑलराइट गाइस, तो करते वीडियो को एंड, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।